प्रयास किया ताकि वह एक बार कह दें कि ब्राह्मण से राजा अधिक श्रेष्ठ होता है, लेकिन दधीचि मुनि ने भगवान विष्णु की सारी माया को भंग कर दिया। तो भगवान विष्णु के मन में भी यह विषाद था कि किसी प्रकार इन दधीचि का यह वज्रमय शरीर भी नष्ट होना चाहिए। त्वष्टा का पुत्र वृत्रासुर जब देवताओं को हरा करके उसने स्वर्ग को आधिपत्य कर लिया, उस समय देवता जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने कहा कि देखो इंद्र, यदि दधीचि के अस्थियों से यदि वज्र निर्माण करे तो निसंदेह उससे वृत्रासुर मारा जाएगा। सारे देवगण जाकर के शक इंद्र ने दधीचि से याचना की कि त्वष्टा विप्रकृता सर्वे वयम देवा सथर्षयः शरण्यं त्वां महाशैवं दातारं शरणं गतः स्वास्थीनि देहिनो विप्रः महावज्रमयानिहि अस्ना ते स्वपिं स्वपिं कृत्वा हनिष्यामि सुरद्रुहम्। हे ऋषिवर्य, आप अपनी अस्थियों का हमको दान करिए जिससे हम इस वृत्रासुर के संताप से जगत को मुक्त कर सके। दधीचि मुनि ने परोपकार की भावना से, क्योंकि परहित सरिसन धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अधमाई, परोपकार से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। ऋषि मुनियों का शरीर जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष वृक्षों का जीवन परोपकार के लिए ही है, उसी प्रकार ऋषि मुनियों का भी जीवन परोपकार के लिए ही होता है। उनके लिए देह की सार्थकता इसी में है कि यह शरीर किसी के काम आ जाए। सारे शरीर में घी दही आदि लगा दिया गया और कामधेनु गाय ने उस सर्वांग को चाट लिया, केवल अस्थि मात्र बचा जिससे वज्र का और बाण का निर्माण किया गया। अग्नि का पिनाक, शिव का पिनाक, अग्नि का गांडीव, इंद्र का वज्र, ये सब उस अस्थियों से ही निर्माण हुआ। वृत्रासुर के मरने के बाद जो कुछ शेष अवयव बचे थे दधीचि मुनि के, मुनि पत्नी ने दधीचि की भार्या का नाम सुवर्चा, उन्होंने उन अवयवों का संग्रह करके चिता पर रखा और स्वयं भी सती होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि देवी, तुम्हारे उदर में ऋषि का अंश है, जब तक उसका प्रसव नहीं होता गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती। पति के शोक में विह्वल सुवर्चा देवी ने पत्थर की चोट से अपने उस गर्भ को प्रसव कराया। वह शिशु जब बाहर निकला, यह भगवान शिव का अंशभूत था। सुवर्चा दधीचि के साथ में सती हो गई, लेकिन बालक का अभी कोई आश्रय नहीं था। वह बालक एक पीपल के कोटर में रहता और पीपल के जो छोटे छोटे फल होते हैं उन फलों को खा करके ही किसी प्रकार जीवित रहने लगा। इसलिए इस बालक का नाम पिप्पलाद हुआ। यह शिवजी के अवतार हैं पिप्पलाद। नारद जी के उपदेश से इन्होंने अपूर्व शिव भक्ति की। और अनेक प्रकार की शक्तियों का संग्रह किया। जब तपस्या के तेज से संपन्न हुए तो इन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जिसके कारण मुझे बाल्यकाल में ही माता पिता का वियोग हो गया। तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 थी, जिस कारण से तुम्हारे ऊपर तुमको माता पिता का वियोग झेलना पड़ा। बाल्यकाल में ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा त्याग कर दिया।
इस बात से इतने रुष्ट हुए पिप्पलाद कि इन्होंने शनि का आवाहन किया और अपने तपोबल से शनि को जलाने लगे, शनि के चरण जलने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के पिप्पलाद से कहा कि हे पुत्र, शनि न्याय के देवता है, वो किसी भी प्राणी को अकारण कोई दोष नहीं लगाते, हमारे किए हुए कर्म का दंड देने के वे दंडाधिकारी हैं। ये सूर्य पुत्र, यमराज और शनि ये जीव मात्र के दंड का विधान करते हैं, धर्मराज मरने के बाद दंड देते हैं और शनिदेव जीते जी दंड देते हैं। हमारे जो प्रारब्ध कर्म है उसका दंड का विधान शनि करते हैं और हमारे जो क्रियमाण संचित कर्म है वो देह छूटने के बाद उसका न्याय धर्मराज करते हैं। ये दोनों सूर्य के पुत्र गॉड ऑफ जस्टिस है, न्याय के देवता। तो सज्जनों माताओं, लेकिन तब तक शनि के पैर जल चुके थे, अब शनि मंद गति वाले हो गए, धीरे धीरे चलने वाले हो गए। ग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की है, एक राशि को 2.25 दिन में पूरा करते हैं। सूर्य, शुक्र और बुध ये 1 महीने में 1 राशि को पूरा करते हैं। मंगल 45 दिन में करते हैं, बृहस्पति 1 वर्ष में करते हैं, राहु और केतु 1.5 वर्ष में करते हैं और शनि उस 1 राशि को पार करने में 2.5 वर्ष का समय लगाते हैं। जिस व्यक्ति की राशि से 4th शनि और 8वें शनि हो उसकी ढैया होती है, जिसकी राशि से पहले 2रे और 12वें हो उसको, ये तीनों संक्रमण काल 7.5 साल तक चलता है इसलिए उसको 7.5 साथी कहते हैं। शनि का 1 राशि भ्रमण काल 2.5 वर्ष का होता है। पिप्पलाद ने शनि को ब्रह्मा जी के कहने से छोड़ तो दिया, लेकिन उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिव भक्त हो, जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक का कोई शिव भक्त हो, उसके ऊपर शनि की 7.5 साथी का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जन्म से लेकर 16 वर्ष तक शिव भक्त। दूसरा, इस पीपल के वृक्ष ने मुझे जीवन दिया है, मैं इसी के फल खा करके मैंने बाल्यकाल बिताया है। तो पिप्पलाद ने कहा कि यही मेरा पिता है। शनिदेव ने कहा कि मेरे वार के दिन, शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस पीपल की पूजा करेगा, पीपल की प्रदक्षिणा करेगा, पीपल में जल चढ़ाएगा, उस पर मेरे कोप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीपल का वृक्ष रोज पवित्र नहीं माना जाता, जैसे समुद्र रोज पवित्र नहीं होते। अश्वत्थपूतम समुद्रपूतम, मंदवासराणी अश्वत्थम समुद्रे पर्वणि तथा। पीपल का वृक्ष रविवार शुक्रवार को पवित्र नहीं माना गया, अर्थात पवित्र का अर्थ है कि जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार को अत्यंत पवित्र है, उस दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना ही चाहिए। तिल या माशान अर्थात उड़द, तिल या उड़द मिलाकर के जल चढ़ाने से शनि प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष की छाया में सायंकाल के समय तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की पीड़ा का शमन होता है। जल और दूध और उसमें काले तिल मिलाकर के यदि पीपल के वृक्ष में चढ़ाया जाए तो पितृदोष आदि का भी प्रभाव कम होता है, दुष्प्रभाव कम होता है। राहु से संबंधित पीड़ा हो, शनि से संबंधित पीड़ा हो, बृहस्पति संबंधी पीड़ा हो तो पीपल की उपासना उत्तम मानी गई है। और पीपल का वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति स नरकम न पश्यति, अश्वत्थमेकम
पिचुमंदमेकम नग्रोदमेकम दशचिंचकानी। पंचाम मुक्ता नरकम न पश्ये, जो अपने जीवन काल में एक पीपल का वृक्ष पिचुमंद नीम का एक वृक्ष नग्रोधमेकम एक बरगद का वृक्ष दशचिंचिकानी इमली के दस पेड़ और पांच आम के पेड़ लगा लेता है जो व्यक्ति अपने जीवन में, पंचाम्रभुक्ता नरकम न पश्येत, उसको कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। ऐसी अद्भुत हमारे वृक्षारोपण की भी महिमा है।